सो हेलो गाइस सर, जो आज की वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार ऐसे एप्लीकेशन। मतलब यार गूगल प्ले स्टोर में आपको इतने सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाते हैं, मगर यार आप उनको तो यूज नहीं कर सकते। सारे के सारे जो एप्लीकेशन है आप उनको यूज करने जाएंगे ना, तो आपकी जो उम्र है ना वो भी कम पड़ जाएगी। इतने सारे एप्लीकेशन आपको गूगल स्टोर में मिल जाते हैं। आपने देखो इतना महंगा मोबाइल लिया है तो आप अपना पैसा तो वसूल करेंगे ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक एंड्रॉयड यूजर हैं तो सारे गूगल के जो इतने एप्लीकेशन हैं, इतने अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपके लिए बेस्ट एप्लीकेशन लेके आते रहूंगा। तो गाइस आज की जो वीडियो है, चार एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और इन एप्लीकेशन की आप मदद से बहुत ज्यादा अच्छे काम कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। चलो मैं आपको फर्स्ट एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो गाइस यार अभी आप मेरी जो वीडियो है यूट्यूब में देख रहे हैं, अब यूट्यूब में ऐसा नहीं चाहते ना कि आप बार 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 ऐड आ जाए, मतलब कि आप कोई सॉन्ग वगैरह प्ले कर रहे हैं, सुन रहे हैं और बार बार उसमें ऐड आ रहे हैं। तो गाइस एक एप्लीकेशन ऐसा है, स्किप ऐड करके आपको 1 MB से भी कम का शायद मिल जाएगा। लिंक सारे एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन वगैरह में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप। तो देखो यार, आप यदि यूट्यूब में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और आप वीडियो वगैरह देखते हो और आप नहीं चाहते कि आपको ऐड आए, तो सिंपली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, बस आपका जो काम है बस हो गया है। आप ऑटोमेटिकली देखेंगे 5 सेकंड के बाद में आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जो आपका ऐड है वो 5 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली कट जाएगा, स्किप हो जाएगा। आपको कोई ऐड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे तक, यार बार बार उसे स्किप वाला देखते रहो, कब 5 सेकंड होंगे 5 सेकंड होंगे तब जाके वो बंद होगा। चलो ये था फर्स्ट एप्लीकेशन, चलिए बात कर लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन की। तो गाइस आप यूट्यूब से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, यदि आप यूट्यूब प्राइम का मजा अपने यूट्यूब में ही लेना चाहते हो फ्री वाले एप्लीकेशन में, तो गाइस क्या करना है आपको, देखो क्रोम ब्राउजर तो सबके मोबाइल में ही रहता है, सिंपली आपको बता देता हूँ। यहाँ से मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, उसके बाद में आप देख लीजिएगा। अब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, अब यहाँ पर सर्च करना है आपने अपने पसंद का कोई भी गाना सर्च कर लो, जैसे कि मेरा यूयो हनी सिंह फेवरेट सिंगर है। अब मैं इसका जो गाना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे, आपको वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर जैसे आप क्लिक कर लेते हैं, अभी आप देख सकते हैं अभी वाला गाना मैं ऐसे सिंपली प्ले करूंगा, तो अभी देखो ये डायरेक्टली प्ले हो जाएगा। आपको थंबनेल पर क्लिक करना है, अब यहाँ पर आप देखो स्वाइप अप कर देंगे, मतलब कि यार इसे होम पर अल्ला लेना है, बंद हो जाएगा ये गाना, ठीक है। अब बंद हो गया, अब मगर यार मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। यहाँ पर ऊपर स्वाइप अप करेंगे आप, स्टेटस बार में अभी इस तरह से देखने को मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर आप देखो सिंपल प्ले कर दीजिएगा, बूम चालू हो गया गाना। तो गाइस इस तरह से आप अपने काम भी कर सकते हैं, अभी देखेंगे आप इस तरह से स्क्रीन में भी देख सकते हैं। बंद कर देता हूँ यार गाना यार। तो देखो गाना भी स्टार्ट हो गया है और बाकी सारे काम भी हम बड़े आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आप प्ले देखो अपना जो YouTube प्राइम का मजा है YouTube में ले सकते हैं, और आप देखो बताना मत किसी को यार ये वाला, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले एप्लीकेशन की ओर। अब तो देखो लॉक टच एक ऐसा एप्लीकेशन है गाइस, इसकी मदद से आप अपने फोन का जो सारा का सारा कंट्रोल है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। मतलब यार कैसी बात कर रहा हूँ मैं, सारा कंट्रोल तो आपके हाथ में ही रहता है, मगर देखो आप जैसे कि आपके घर में कोई बच्चे वगैरह है, मतलब यार अपने घर में तो रहते हैं ना चिल्ड्रन वगैरह, अब आप उनको एक अपना यूट्यूब में कार्टून वगैरह लगा के दे दिए, या फिर कोई भी कहीं पर भी कोई भी यूज करना है, आपने कुछ किसी को भी मोबाइल दे दिया और वो चाहते हैं कि आप उस एप्लीकेशन को आप लॉक कर दें, स्पिन कर दें, मतलब कि वो लॉक हो जाए, टच लॉक इस एप्लीकेशन का नाम है। और देखो सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। अब गेट स्टार्ट पर सिंपली क्लिक कर लीजिएगा, इसके बाद में कुछ परमिशन देने के बाद में आपको मैं इसे स्टार्ट करके बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इतने सारे चार ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं लॉन्च वाइज सेक, मतलब यार आप इसे चालू कर देंगे ना तो इस तरह से आप देखेंगे अपना फोन को आप थोड़ा सा भी ऐसा सेक करेंगे तो एक वाइब्रेशन टाइप आएगा, और यहाँ पर लॉक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप इसे लॉक पर क्लिक कर देते हैं, अब देखेंगे आपका जो फोन है स्क्रीन लॉक्ड हो गया है, मतलब यार यहाँ से आप कुछ भी कर लो चलेगा ही नहीं। मतलब अपने दोस्त वगैरह को भी आप प्रैंक करने के लिए ये जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है, मतलब कि आप प्रैंक कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं भाई मेरी टच चली गई, या फिर कोई को भी आप अपने फोन को ऐसे दे दो यार कोई भी चलने वाला नहीं है वो, आप अपने आप खुद ही बस इसे अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस इसे अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पर स्वाइप अप कर लेना डबल बार में, और अब यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फोन है वो चलने लगेगा। जैसे कि आपने यूट्यूब चालू करके दे दिया किसी को भी बंदे को, या फिर अपने जो बच्चे लोग हैं उनको चालू करके दे दिया, और आप चाहते हैं कि बच्चे लोग यहाँ से और कोई सा जो वीडियो है वो चालू ना कर पाए, तो आपको क्या करना है अपने फोन को इस टाइप से सेक करना है एक बार, अब लॉक कर दीजिएगा। अब ये लॉक हो गया है ऑटोमेटिकली, आप कितना भी कुछ कर लो अब इसे देखो चलेगा ही नहीं, मतलब कि यार लॉक हो गया, स्क्रीन लॉक हो गई। इसमें आप डुअल स्वाइप करेंगे इस तरह से तो जो आपका फोन है अनलॉक हो जाता है। आपको फ्रेम
कॉपी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रेम को मतलब कि गाइस अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आपको इतना बड़ा कुछ फ्रेम देखने को मिलता है, इतनी जगह बस आप लॉक कर सकते हैं, इतनी जगह बस लॉक होने वाली। देखो यहाँ से अभी मैंने इसे लॉक कर दिया, अब इतनी जगह बस चलेगी आपकी और यहाँ से कुछ भी चलने वाला नहीं है। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, फिर भी स्क्रीन में देख सकते हो आप, इतनी जगह बस चलेगी और ये इतनी जगह में नहीं चलेगी, कुछ भी कितना भी कुछ भी कर लो आप चलने वाली नहीं है यहाँ से नीचे साइड में। सो गाइस ये एप्लीकेशन भी आपके काम का हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट एप्लीकेशन की। अब गाइस वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइस जो हमारा लास्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है मूवीज एज। मतलब कि गाइस इस एप्लीकेशन से यार अपने जो फोन का आप लुक ही बदल सकते हैं। मतलब कि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर आप म्यूजिक वगैरह चालू कर रहे हैं या फिर प्ले कर रहे हैं तो आपको ऐसा वेव्स देखने को मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने फोन पे। आपको गूगल प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे, आप इसे सिंपली ओपन कर लीजिएगा। मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप जिसे डाउनलोड करेंगे ना तो तब जाके आपको मालूम पड़ेगा। अभी ये जो इसका लाइट वगैरह है ना बहुत ज्यादा अच्छी देखने में लगती है मुझे। अभी आप देख सकते हैं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऊपर साइड या नीचे साइड। अभी आप यहाँ से देखो इस तरह से बदलाएंगे ना तो आपका जो फोन है वो ऑटोमेटिकली बदलते रहता है। और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है ना इतने सारे इसमें देखने को मिल जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इनको आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, या फिर आप देखेंगे यहाँ से भी इतने सारे देखने को मिलेंगे आपको जो आपके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह है। इनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब कितने देर के लिए आपको चालू करके रखना है। गाना आना वगैरह चलाते हैं ना तो ये बैकग्राउंड में चलते रहता है तो बड़ा अच्छा लगता है। सो आई होप फेयर फ्रेंड ये छोटी सी वीडियो आपको मजेदार लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।